नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल की टीम आज पहुंची है कुरुक्षेत्र में, जहां पर हम शुक्लोक आश्रम कुरुक्षेत्र आश्रम के बाहर खड़े हैं। और आप मेरे बाईं तरफ देख सकते हैं कि यहां पर शुक्लोक आश्रम का मेन गेट है और यह कितना अच्छा सजाया गया है। और आज कार्यक्रम का दूसरा दिन है और हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप और साथ में दहेज मुक्त विवाह का भी आयोजन किया गया है। तो हम अंदर जाएंगे और देखेंगे किस प्रकार से ये तैयारियां की गई हैं और किस प्रकार से ये आयोजित किया गया है। चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं। दर्शकों, हम पंडाल में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी संख्या के अंदर श्रद्धालु आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पंडाल पूरा भर चुका है और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक तरफ पुरुषों के लिए और दूसरी तरफ बहनों के लिए यहाँ पर पंडाल बनाया हुआ है। और आप देख सकते हैं उनके लिए यहाँ पर बीच में बाउंड्री भी की गई है और यहाँ पर सेवादार अपनी सेवा के अंदर मौजूद है, जो सेवा को संभाले हुए हैं। उसको हम यहाँ पर आ चुके हैं जहाँ पर सब्जी बनाई जा रही है। आप इस तरफ देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या के अंदर यहाँ पर भगत हैं जो यहाँ पर सब्जी बना रहे हैं अलग अलग भट्टियों पर, और सेवादार यहाँ पर सफाई का बहुत अच्छा ध्यान रख रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने कैप पहनी हुई है, यानी सफाई का बहुत अच्छा यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। उससे पीछे आप हमारे साथ देखेंगे यहाँ पर एक सेवादार है, आइए हम इनसे चर्चा करते हैं। सर जी नमस्कार। सर साहब जी। सर क्या नाम है आपका? सुनील दास जी। कहाँ से आए हैं आप? बिहार से जी। जी आप बिहार से इतनी दूर आए हैं, आप कितने समय से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं? हो गए जी 7-8 साल। जी आप बिहार से इतनी दूर यहाँ पर हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र में यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, आप इतनी दूर क्यों आए हैं सेवा करने? संत रामपाल जी महाराज ने सेवा करने का मौका भी दिया, सिखाया भी कैसे सेवा होती है। संगत इतने दूर दूर से आते हैं, उनके लिए सेवा करते हैं जी। उस जगह आ चुके हैं जहाँ पर जलेबियाँ बनाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि समागम शुरू हुए एक दिन हो चुका है और अभी भी यहाँ पर जलेबियाँ साथ के साथ बनाकर यहाँ पर जो आए लोग हैं उनको परोसी जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे हलवाई सेवादार मौजूद हैं जो यहाँ पर जलेबियाँ बना रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर एक सेवादार मौजूद हैं, आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। सर जी नमस्कार। चचा जी। सर क्या नाम है आपका? भगत प्रदीप दास। कहाँ से आए हैं आप? मैं राजस्थान झालावाड़ से आया हूँ जी, और यहाँ पर हलवाई की सेवा दास की लगी हुई है भंडारा बनाने में। ये सेवा कब से कर रहे हैं आप? जी मैं 2.5 से 3 साल हो गए जी मुझे यहाँ पर ये सेवा देते हुए। गुरु जी की दया से जो भंडारा बनता है हर 3 महीने में 4 महीने में साल में 4 बार 6 बार बनता है, तब से दास की सेवा लगी हुई है भंडारा बनाने की। जी यहाँ पर समागम शुरू एक दिन हो चुका है और यहाँ पर लगातार जलेबियाँ बनाई जा रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर श्रद्धालु काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर आ रहे हैं। जी यहाँ पर जो भंडारा बन रहा है वो शुद्ध देसी घी में बन रहा है, और जो यहाँ पर जो श्रद्धालुगण आ रहे हैं जिनके अंदर पूरे विश्व में सबको आमंत्रित किया है, घर घर न्योता देकर सबको बुलाया है, वो करीबन 50 से 60 हज़ार प्रतिदिन भंडारा कर रहे हैं गुरु जी की दया से। शुद्ध देसी घी में सारा भंडारा बन रहा है, सब्जी दाल रोटी जलेबी लड्डू जो भी कुछ है सब सारा ही शुद्ध देसी घी में बन रहा है जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप। शुक्रिया जी सच्चाई। दर्शकों आप देख सकते हैं हम भंडारे में उस जगह आ चुके हैं जहाँ पर काफ़ी सारी जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पूरियाँ बना रही हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या के अंदर यहाँ पर पूरियाँ बेली जा रही हैं, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर देखकर कि यहाँ पर साफ़ सफाई का बहुत अच्छा ध्यान रखा जा रहा है। आप देखेंगे और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं वो सेवा के अंदर हाथ बटा रहे हैं, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे सेवा कर रहे हैं। तो यानी संत रामपाल जी महाराज अपने श्रद्धालुओं को बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं कि किस तरीके से जो है सेवा करनी चाहिए। देख सकते हैं हम उस भंडारे में आ चुके हैं जहाँ पर महिलाएं भंडारा कर रही हैं, और यहाँ पर कितनी संख्या के अंदर महिलाएं भंडारा कर रही हैं, और साथ में कुछ सेवादार भी हैं जो यहाँ पर सेवा करवा रहे हैं। तो हमारे साथ एक सेवादार हैं, आइए उनसे चर्चा करते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आप? निधि। कहाँ से हैं आप? मैं अम्बाला से। जी क्या पढ़ाई कर रखी है आपने, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं BSc केमिस्ट्री कर रही हूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। जी आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर सेवा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर सेवा करना भी उतना ही महत्व है जितना कि पढ़ाई करना। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आजकल के युवा पीढ़ी हम सेवा का महत्व नहीं जानते और सिर्फ एजुकेशन को इम्पोर्टेंट मानते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। आज
आजकल की युवा पीढ़ी को स्पिरिचुअलिटी से भी अटैच होना चाहिए, सो डैट हम कोई भी सिन ना करें और कोई भी बुरा कर्म ना करें। दर्ज को हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के छोटे छोटे शिष्य मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करके देखते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वयम दास है। कहाँ से आए हो आप? मैं करनाल से आया हूँ। यहाँ पर आप क्या करने आए हो? मैं यहाँ पर सेवा करने आया हूँ। सेवा करके आपको अच्छा लगता है? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं दूसरी क्लास में पढ़ता हूँ। तो आप इतने छोटे हो और इतनी छोटी उम्र में आप भक्ति करते हो, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली है? मुझे ये सतरामपाल जी से प्रेरणा मिली है। आपने यहाँ पे भंडारे में क्या क्या खाया है? मैंने यहाँ पर लड्डू जलेबी हलवा पूरी खाई है। धन्यवाद। दर्शकों, हम पुरुषों वाले भंडारे के अंदर आ चुके हैं, जहाँ पर हमारे साथ कुछ सेवादार हैं, ये इनसे चर्चा करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत दास है जी। सर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भंडारा चल रहा है, यहाँ पर क्या व्यवस्था बनाई हुई? संत रामपाल जी महाराज की दया से यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से तैयार की गई है। जैसा कि आप देख रहे हो कि बहुत लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आए हुए हैं, और जो यहाँ सेवक जन है उन्होंने अपने तरीके से यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से कर रखी है। तो सर आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर जो वीआईपी हैं उनके लिए क्या कोई अलग से व्यवस्था की गई है? सर ऐसे है, हमारे संत रामपाल जी महाराज के ये आदेश हैं कि जो भी जगत का आता है तो यहाँ पर कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं हम करते। चाहे कोई यहाँ एमएलए आओ, चाहे कोई मंत्री आए, चाहे कोई सरपंच आए, चाहे हमारा कोई भक्त हो, वो सब एक लाइन में बैठते हैं। यहाँ अमीर और गरीब में कोई भेदभाव नहीं है। सर जी आप देख रहे, देखो इधर हमने सब टाट लगा रखे हैं, सारे जो भी जगत के आते हैं और जो हमारे भक्त हैं एक साथ बैठ के भंडारा करते हैं जी। धन्यवाद आप। थैंक यू। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी हो और चाहे कोई गरीब हो अमीर हो, उसके अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। यहाँ सभी एक ही पंक्ति के अंदर एक ही लाइन में बैठकर यहाँ पर भंडारा करते हैं, और सेवादार यहाँ पर मौजूद हैं जो कि व्यवस्था को बनाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि भंडारे के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है।